हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेम। सो वी आर ऑन लेक्चर थ्री ऑफ यूनिट वन एंड द टुडेज टॉपिक इज फंक्शन एंड रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, सो लेट्स स्टडी। आज हमारे दो टॉपिक हैं जिसमें हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला फंक्शन है प्लानिंग फंक्शन है। ठीक है, सो फर्स्ट फंक्शन इज द प्लानिंग ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। सो यहाँ एन अकाउंटिंग सिस्टम इज मेंटेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वी ऑल नो दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सो एक अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कवर करता है कि स्टैंडर्ड कैसे, स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सेल के स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, प्रॉफिट प्लानिंग की जाती है, प्रोसेस एलोकेशन का काम किया जाता है, कैपिटल बजटिंग का काम किया जाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान किए जाते हैं। तो एक तरह से प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है? पहला मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है प्लानिंग करना। ठीक है, प्लानिंग रिगार्ड फॉर ये कॉस्ट के स्टैंडर्ड सेट करना, सेल्स के स्टैंडर्ड सेट करना कि कितनी सेल लेवल हमें मीट करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना, प्रॉफिट प्लानिंग करना, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना, कैपिटल बजटिंग करना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज की प्लान करना कि कौन से सोर्सेज कब हम यूज़ कर सकते हैं, व्हाट आर दी ऑप्शन। तो यहाँ पे ये हो गया कि उस प्लान करना एंड उसे इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिवली इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन इज द कंट्रोलिंग फंक्शन। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ये भी इंश्योर करना पड़ता है अकाउंटेंट की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कंपेयर की जाए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, एंड उस कंपेरिजन के बेस्ड पे उसे डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है एंड देन उसे इंटरप्रेट करना है रिजल्ट को वो टू द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट को। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को सबमिट करना है कि डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, रीज़न क्या है, ठीक है, और इन्हें करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो एक तरह से कंट्रोलिंग फंक्शन एनेबल करना। सो ये आपका कंट्रोलिंग कैसे एनेबल की जा सकती है? बाय एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ठीक, सो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भेजी जाती है टू द टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। द टॉप मैनेजमेंट रिक्वेस्ट दी मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रिपेयर दी रिपोर्ट फॉर दी रूट कॉजेज फॉर एन अनफेवरेबल इवेंट और ऑपरेशन। सो यहाँ पे कहा जाता है नेक्स्ट फंक्शन जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट फंक्शन है रिपोर्टिंग फंक्शन। उसे रिपोर्ट करना होता है टू दी टॉप मैनेजमेंट कि रूट कॉज क्या है किसी भी अनफेवरेबल इवेंट या ऑपरेशन का इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई भी अनफेवरेबल इवेंट अराइज हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई तो उसकी पूरी रिपोर्ट भेजना। ठीक है, उसमें रियल रीजंस क्या हो सकते हैं, हाउ दे व्हाट पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड इट एंड हाउ कैन इट बी रिजॉल्व। सो इसकी पूरी एक रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम भेजते रहना, वट एवर दी प्रॉब्लम, वट आर दी ऑब्स्टिकल्स एज ए बिजनेस इज फेसिंग वाइल डूइंग दी वर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये भी काम है कि वो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग आउट करे। उसे सारे लेवल ऑफ मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ता है बिफोर फ्रेमिंग एनी पॉलिसी और एक्शन प्रोग्राम। सो बिफोर फ्रेमिंग एनी पॉलिसी एंड फंक्शन प्रोग्राम ही नीड्स टू कंसिडर ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल, टू प्रिपेयर द पॉलिसी दैट ही इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, सो इस तरह का इन कंसल्टेशन वो तभी भी ब्रिंग तभी कर सकता है जब देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द टॉप मैनेजर। तो उसे एक तरह से कोऑर्डिनेट करना है सारे डिपार्टमेंट्स को, टॉप मैनेजमेंट को, और इन दोनों पार्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे पॉलिसीज और एक्शन प्रोग्राम सजेस्ट करने हैं। ठीक, नेक्स्ट इंटरप्रिटिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टाइम मॉडिफाइड होती रहती है और प्रेजेंट की जाती है मैनेजमेंट को विद इंटरप्रिटेशन, मतलब कंक्लूजन ड्रॉन करके बताया जाता है। इंटरप्रिटेशन इज मेड इन डिफरेंट फेजेस, हर एक अलग अलग फेजेस पे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इफ़ सो रियल रीजन फॉर द ऑपरेटिंग रिजल्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मैनेजमेंट। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो रियल रीज़न है, जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट चल रहे हैं, उनको क्लियरली अंडरस्टूड किए जा सके मैनेज। सो
कहने का मतलब है कि रिपोर्ट्स को कुछ इस तरह से इवैल्यूएट करना सो दैट कि मैनेजमेंट गेट टू नो इन दी मैनेजमेंट कैन बी कैन अंडरस्टैंड दोज रिपोर्ट इन दी मोस्ट सिंपल वे. ठीक, तो एक तरह से इंटरप्रेट करना है रिपोर्ट्स को मोस्ट ईजी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, ताकि किसी भी जिस भी पर्सन का वो रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसे उसे कंक्लूड करने में या उसे उस रिपोर्ट को पढ़ने में समझने में दिक्कत ना आए. ठीक, नेक्स्ट है इवैल्यूएशन फंक्शन. यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इवैल्यूएट करना होता है इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कितना इफेक्टिव है, प्रोसीजर जो अडॉप्ट की गई है वो कितना इफेक्टिव है. तो ये सारी चीज़ों का इवेल्युएशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट को करते रहना पड़ता है. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट फंक्शन क्या हुआ, इवेल्युएशन फंक्शन. इवेल्युएशन फंक्शन वो क्या करता है, इवेल्युएशन फंक्शन में उसे ये इंश्योर करना है कि अभी भी जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर रखी हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है हाउ इफेक्टिव इज दैट, प्रोसीजर्स जो काम करने के लिए अडॉप्ट किए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कितने इफेक्टिव है. सो ये हो गया इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम. तो ही नीड्स टू इवेल्युएट दीज थिंग्स टाइम टू टाइम ताकि बेटर रिजल्ट अचीव हो सके. तो इसके लिए उसे कंसल्ट किसे करना पड़ेगा, उसके लिए उसे फंक्शनल मैनेजमेंट और जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव है इससे टाइम लोगों से टाइम टू टाइम कंसल्ट करते रहना पड़ेगा, इनके साथ मीटिंग करती रहनी पड़ेगी. ठीक है, सो ये हो गया आपका इवेल्युएशन फंक्शन. ठीक, नेक्स्ट फंक्शन. तो स्टूडेंट नेक्स्ट फंक्शन है एडवाइजिंग फंक्शन. एडवाइजिंग फंक्शन में आपका कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये काम करता है कि वो ट्राई करता है कि कैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो ये मैनेजमेंट को इस तरह से एडवाइस करता है कि विच वॉट स्टेप्स एंड वॉट चेंजेस कैन ब्रिंग इन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशंस. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में रनिंग हो रही होंगी या जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होगा उसे कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है इसके बारे में मैनेजमेंट को एडवाइस करने का काम भी मैनेजमेंट का अकाउंटेंट का है. ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स. ओके, सो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइबल टू पे टैक्स. ठीक है, वेदर इट्स इनकम टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, अदर टैक्स, लोकल गवर्नमेंट टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है या सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर कैन बी वेरियस टैक्स लाइबिलिटी दैट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे ऑफ. ठीक, तो इस स्पेस में मैनेजमेंट अकाउंटेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है टू पे दी टैक्स एंड मेंटेन दी रिकॉर्ड्स एज द केस में भी. मतलब ये एक्सपेक्ट के मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये काम है कि टैक्स सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाना. ठीक है, एक्यूरेट टैक्स लाइबिलिटी क्या हो सकती है अलॉन्ग विद दी ही सजेस्टिंग दी मेजर्स हाउ वी कैन हाउ द एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव दी टैक्स लाइबिलिटी, साथ ही साथ उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते चलना. ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन हो गया अकाउंटेंट का, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, कि उसे टैक्स लाइबिलिटी भी एडमिनिस्टर करनी है, उसे कोशिश करनी है कि टैक्स लाइबिलिटी कम से कम इनकर हो. ठीक है, टाइमली पेमेंट हो जाए और ये भी देखना है कि इसके रिकॉर्डिंग इसके रिगार्डिंग अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिपोर्टिंग. ओके, सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये दूसरा काम है फंक्शन है गवर्नमेंट को रिपोर्ट भी करना. तो उसे सारी स्टेटमेंट रिटर्न्स जो कि गवर्नमेंट को सबमिट होने वाले हैं उसे रिव्यू करना, देखना है कि वो ट्रू है कि नहीं, फेयर है, मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं है जो क्योंकि गवर्नमेंट को सबमिट हो जाए. सो पीरियोडिकली गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है. तो ये काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का है कि जितने भी स्टेटमेंट और रिटर्न्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं दैट आर ट्रू इन नेचर, दैट आर करेक्ट एंड एक्यूरेट, एंड पीरियोडिकली इनका रिव्यू करना एंड पीरियोडिकली गवर्नमेंट को सबमिट करना विद इन द ड्यू डेट के अंदर ही, ना कि ड्यू डेट के बाद. ठीक, नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ देयर मे बी चेंजेस इन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस एरिया में जिस कंट्री में काम कर रही है हो सकता है वहाँ की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज होती है. तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज जिनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी उसमें अमेंड किए जाएँ. ठीक, सो ये पॉलिसीज में जब अमेंडमेंट या चेंजेस किए जाते हैं तो इनका इम्पैक्ट बिजनेस पे भी होता है.
ठीक, तो उस इम्पैक्ट का अप्रेज करना, अप्रेजल करना कि कितना और किस लेवल का वो बिजनेस को इफेक्ट करेगी, ये सब चीज़ें असेसमेंट किसे करना है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट को करना है। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का नेक्स्ट फंक्शन हो गया कि अप्रेजल करना एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन दी बिजनेस, कि एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन दी बिजनेस एंड क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ेंगे टू अडैप्ट दीज चेंजेस, अडैप्ट दी एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक अप्रेजल। सो यहाँ पे नेक्स्ट हो गया हमारा इकोनॉमिक अप्रेजल। ठीक है, इकोनॉमिक अप्रेजल की यहाँ बात हो रही है कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन इज पीरियोडिकली पब्लिश बाय द, जैसे नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन टाइम टू टाइम आपको पता चलती रहती है, इट्स पब्लिश बाय द गवर्नमेंट की क्या हालात हैं देश के। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी यही काम है, जैसे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन, ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक अप्रेजल करते रहना होता है। ठीक है, सो यहाँ भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू मेक इकोनॉमिक अप्रेजल एंड उसे ये भी फाइंड आउट करना है कि नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन का बिजनेस एक्टिविटीज़ पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक, सो ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, टू अप्रेज द इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक अप्रेजल करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और पूरे जो नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस, बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है। सो इस एस्पेक्ट में कह सकते हैं कि उसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रिपेयर करनी रहती है और टॉप मैनेजमेंट को इस रिगार्ड में सबमिट करना होगा और साथ ही साथ उसमें उसे कमेंट्स भी लिखने होंगे, व्हाट कैन ही डू टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैसे करंट इकोनॉमिक कंडीशन जो भी नेशन है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए, ये करना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया इकोनॉमिक अप्रेजल, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्लियर, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द एसेट्स। सो नेक्स्ट फंक्शन है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कि एसेट्स ऑफ द बिजनेस को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, बाय मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट फिक्स एसेट्स रजिस्टर, हर एक फिक्स एसेट्स का एक डिफरेंट रजिस्टर प्रिपेयर करके, ये डिफाइन करके कि हर एक कितने वैराइटीज ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उन एसेट्स को यूज़ करने की रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करके, ये उनका प्रोसीजर सेट करके, हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर एसेट्स एंड व्हेन टू यूज़। ठीक है, सो और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवरेज इंश्योर करके सभी फिक्स्ड एसेट्स के लिए। सो इन दिस वे उसका ये सारा काम भी किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। सो प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ये भी काम किसका है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। क्लियर, नाउ लेट्स सी मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड डिसीजन, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या है इन द डिसीजन मेकिंग, कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। सो यहाँ हमारा पहला है कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डेटा। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फर्स्ट रोल क्या है कि ही कलेक्ट्स दी ऑल दी नेसेसरी डेटा एंड सबमिट्स इट टू दी मैनेजमेंट, जो कि इंफॉर्मेशन नेसेसरी हो टू मेक द डिसीजन। ठीक, तो कहने के लिए कहने कह सकते हैं कि वो सारी इंपॉर्टेंट डेटा दैट इज रिक्वायर्ड बाय दी और मैनेजमेंट टू टेक दी डिसीजन रिगार्डिंग एनी थिंग दैट इज रिगार्डिंग पॉलिसी, प्रोग्राम्स, मेथड्स, ठीक है, एनी थिंग उसके रिगार्डिंग नेसेसरी इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट अकाउंटेंट नेक्स्ट ये कहता है कि हाँ वो इट इंश्योर्स दैट यहाँ पे जो भी वर्किंग कैपिटल उन्हें अप्रोप्रिएटली कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कहाँ कैसे उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड व्हाट कैन बी दी प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वर्किंग कैपिटल अगर अगर पूछा जाए तो व्हाट आर दी वर्किंग कैपिटल, पहले ये दिखा देते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल मतलब द अमाउंट that is invested in the current asset of the business excluding all the current liabilities, मतलब इसमें से current liability को adjust, तो अगर simply equation form में कहें तो current asset minus
करंट लाइबिलिटी। सो जो भी अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट है वो देखना कि इसका अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हुआ है। सो करंट एसेट्स में हमारे क्या आ जा सकते हैं, स्टॉक आ सकते हैं, फिनिश स्टॉक में हमारे फिनिश गुड आ सकते हैं, रॉ मटेरियल आ सकता है, ठीक है, कैश आ सकता है और डेटर्स हैं। सो इन सब चीज़ों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। कहने का मतलब जो भी अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है दैट मीन्स टू बी प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। ओके, सो ये हो गया आपका नेक्स्ट रोल। इस तरह से डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है ये, टू सजेस्ट यू मैनेजर की व्हाट वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल क्या है, आई हैव टोल्ड यू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द करंट एसेट, जिसमें से हम ये करंट लाइबिलिटी को एडजस्ट कर देंगे, सो जो भी पार्ट बचेगा वो मेरा कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। क्लियर? ओके, सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि इंश्योर करना प्रॉपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, ये बताना कि ये इन्वेस्टमेंट जो भी अमाउंट एक्सेस जो भी सरप्लस फंड है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, या अगर कोई बिजनेस नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रही है तो क्या वो फीसिबल होगा कि नहीं। सो एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी बाय द बिजनेस, ये इंश्योर करना कि जो भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उस पर प्रॉपर रिटर्न मिले ऑर्गेनाइजेशन। ये काम किसका है, इस मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट सजेस्ट कि कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट कैन कितना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कोई इंश्योर करे प्रॉपर रिटर्न ऑन दी प्रॉपर रिटर्न ऑन दी इन्वेस्टमेंट। तो हम कह सकते हैं पहला इसने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करी, दूसरा एक डिसीजन ये हो गया कि कैसे हम वर्किंग कैपिटल को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, तीसरा ये हो गया कि ये इंश्योर कर बताना, ये सजेस्ट करना कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें इंश्योर करेगा प्रॉपर रिटर्न। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वेरियंस एनालिसिस में, एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट किस चीज़ की एनालिसिस करता है, वेरियंस एनालिसिस की। सो इट ऑल्सो सजेस्ट कि कैसे कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही हैं, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एंड कैसे वेरियंस कैसे स्टैंडर्ड से चीज़ें ये मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वेरियंस अकर हो रहा है और कैसे उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑल्सो बाय डूइंग दी वेरियंस एनालिसिस सजेस्ट दी मैनेजमेंट हाउ टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस मीन्स ऑफ दी परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव। अब ये हमें पता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव सजेस्ट करना और उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव हैं उसका आइडिया मैनेजमेंट को देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक है उन अल्टरनेटिव में से सिलेक्शन का काम, सिलेक्शन में भी हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट चेकिंग रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना ही काम नहीं होता है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने का काम भी किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। रिलायबिलिटी मतलब वो ट्रू है कि नहीं, ट्रू नेचर में है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, रिक्वायर्ड है कि नहीं, तो उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन है कि नहीं जिसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करी जा सकती है कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे चेक करना कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है मैनेजमेंट को वो ट्रू इन नेचर हो, रिलायबल इन नेचर हो। ठीक है, एंड उसमें सारे जो एस्पेक्ट जो भी फैक्ट्स कंसिडर किए हुए हैं वो सही हो। ठीक, ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, किस तरह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग रोल प्ले करता है इन द डिसीजन मेकिंग। तो हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसमें अगर लिखना हो बाय कलेक्टिंग दी एक्यूट बाय कलेक्टिंग दी इंफॉर्मेशन, एंड एक और लिख देते हैं चेकिंग दी रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो कि रिपोर्टिंग करता है किसे। तो ये कह सकते हैं इंटरनल मैनेजर्स को। ठीक है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको रिपोर्टिंग करना। ठीक, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है। सो एज वी ऑलवेज सेड कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को मैनेजमेंट में हेल्प करना, मैनेजमेंट में मेन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करना। ठीक,
ओके, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डिफरेंस, जहाँ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड डिफरेंस की एनालिसिस करता है बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल, इस तरह के एनालिसिस कौन सा एनालिसिस करते हैं? तो हम कहेंगे वेरियंस एनालिसिस। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटेंट चेक द डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या चेक करता है? रिलायबिलिटी, अभी पढ़ा था, ठीक है, रिलायबिलिटी चेक करता है इंफॉर्मेशन का दैट इज प्रोवाइडेड टू द मैनेजमेंट। नेक्स्ट, गेटिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस सिक्योर्ड इज डैश फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो ये कौन सा फंक्शन, अभी मैंने बोल दिया एसेट्स को सिक्योर करने के लिए हमारे पास ये कौन सा फंक्शन है? इट्स द प्रोटेक्शन ऑफ एसेट फंक्शन, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं इज प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एसेट फंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट्स करता है डैश टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डैश। सो यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट होता है? सो वी कैन सी मैनेजमेंट अकाउंटेंट कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, फाइंडिंग द इंफ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ओवर द बिजनेस एक्टिविटी इज डैश फंक्शन ऑफ द। सो इकोनॉमिक कंडीशन का क्या असर हो रहा है बिजनेस एक्टिविटी पे, इस इन्फ्लुएंस की स्टडी किस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ी थी? तो अभी हमने देखा था इकोनॉमिक अप्रेजल फंक्शन के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक अप्रेजल के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है एडवाइस करना मैनेजमेंट को ताकि इम्प्रूव हो सके परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन, ये कौन सा फंक्शन है? तो हमें देखा था ये एडवाइजिंग फंक्शन, यहाँ पे एडवाइजिंग का काम हो रहा है, तो ये है आपका एडवाइजिंग फंक्शन, क्लियर। ओके, इवेल्युएट करना टाइम टू टाइम इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, एंड अडॉप्ट करना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, व्हाट फंक्शन इज दिस? तो ये है इवेल्युएशन फंक्शन। सो ये थे आपके 10 क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टुडेज टॉपिक, आई होप इनसे टॉपिक और क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर स्टूडेंट्स,